हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई स्टार्टेड लेसन नंबर 7, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री एक्सरसाइज 7.2। क्वेश्चन नंबर 2, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द ट्रायसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4-1 एंड -2 और -3। यानी कि एक भी लाइन सेगमेंट है, ये ए भी देख रहे हो लाइन सेगमेंट है, उसमें ट्राई सेक्शन यानी 1, 2 एंड 3। तो ये पी और क्यू पॉइंट हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो सपोज लेट पी एक्स वाई बी डिवाइड्स इंटरनली द रेशियो। अभी देखो यहाँ पी ए से कितना है 1 और पी से बी, तो यानी कितने पार्ट है 2, यानी कितने रेशियो में डिवाइड करेगा 1:2। तो सेक्शन का फॉर्मूला तो याद ही है, पी एक्स वाई इज इक्वल टू m1x2 + m2x1 / m1 + m2 m1y2 / m2y2 + m2y1 / m1 + m2। अभी m1 कितना है 1, x2 कितना है -2 प्लस m2 कितना है 2 और x1 कितना है 4। ये हो गया m1 और m2 कितने 1 और 2। m1 कितना 1 है, y2 कितना है -3 प्लस m2 कितना है 2 और y1 कितना है -1। अभी यहाँ पर देखो 2 1 जा 2 प्लस -, 4 2 जा 8, 8 में से 2 गए कितने बचेंगे 6, 3 2 जा 6, यहाँ पर कितने बचेंगे x एक्सिस में 2। वैसे ही प्लस -, 3 1 जा 3 प्लस -, 2 1 जा 2, 3 और 2 कितने होते हैं 5। तो आगे डिवाइड होगा नहीं, यानी कि जो पी पॉइंट हमें कितना मिला 2 - 5/3। अभी देखो यहाँ पर पी पॉइंट तो हमें मिल गया, अभी क्यू पॉइंट, तो क्यू देखो यहाँ पर क्यू एक्स वाई ये पी बी का क्या है, मिड पॉइंट है। यानी क्यू को फाइंड करना है, तो यहाँ पर कैसे करेंगे, क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ पी बी। तो पी के जो पॉइंट फाइंड किए थे कितने मिले थे 2 - 5/3 एंड बी कितना है -2 और -3। तो क्यू एक्स वाई तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2 / x2 / x2 / y1 + y2 / 2। यानी x1 कितना है 2 और x2 कितना है -2। ये हो गया y1 कितना है -5/3 प्लस y2 कितना है -3। अभी ब्रैकेट निकाल देते हैं तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, वैसे ही यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ पर 2 में से 2 गए 0 बचेंगे और यहाँ पर 3 एलसीएम लेते तो 3 3 जा 9 और 3 कहाँ चला जाएगा 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन में। तो यहाँ पर 0 से डिवाइड करोगे तो 0 आएगा, -5 और -9 कितने होते हैं -14 और 3 2 जा 6 और -14 में क्या होता है 7 2 जा 2 2 कट हो जाएंगे, तो कितने बचेंगे -7/3। तो ये क्यू के पॉइंट मिल गए, कितने मिल गए क्यू एक्स वाई इज इक्वल टू 0 - 7/3। तो पी और क्यू दोनों पॉइंट फाइंड हो गए, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, तो फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3 - 10 - 6 - 8 इज द डिवाइड बाय -1 और 6। रेशियो फाइंड करना, तो रेशियो फाइंड करना तो मैंने आगे सिखाया था, क्या किया था कि रेशियो फाइंड करना, तो क्या मानना है हमें के रेशियो 1 और उसका के रेशियो फाइंड करने का फॉर्मूला मैंने भी बताया था, पी एक्स वाई इज इक्वल टू k x2 + x1 / k + 1 k y2 + y1 / k + 1। तो यहाँ पर जो डिवाइड करने वाला पॉइंट है वो पहले से ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है -1 6 k x2। तो ये देखो a x1 y1 b x2 y2, ये कोऑर्डिनेट पॉइंट कौन सा है -3 10 और ये 6 - 8। यानी x2 कितना है हमारा 6 प्लस x1 कितना है -3, ये हो गया k + 1। y2 कितना है -8 और y1 कितना है 10, ये हो गया k + 1। -1 6 6 k + -3 k + 1, ब्रैकेट निकाल देते हैं यहाँ पर -8 k + 10 k + 1। अभी -1 किससे इक्वल होगा 6 k - 3 = k + 1 और 6 किससे इक्वल होगा -8 k + 10 / k + 1। अभी k + 1 डिवाइड है -1 के साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे, अभी -1 को k के साथ, तो -k + -k 1 1 जा 1 6 k - 3। यहाँ पर मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, अभी 6k+ है आगे आया तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ पर -3 -1 इज इक्वल टू के पीछे जाए तो +1,
सिक्स के और वन वन के कितने होते हैं माइनस सेवन के, थ्री में से वन गए कितने बचेंगे टू, अभी माइनस सेवन मल्टीप्लीकेशन में पीछे चले जाए तो डिवाइड में चले जाएंगे माइनस माइनस कट हो जाए, तो के की वैल्यू कितनी मिली मिली हमें टू बाय सेवन। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया था कि सेक्शन का फॉर्मूला लगाया, फिर एक्स वन और एक्स टू की वैल्यू पुट कर दी, तो एक्स टू कितना था हमारा सिक्स था, एक्स वन कितना था माइनस थ्री, तो सिक्स के माइनस थ्री हो गया। यहाँ पर वाई टू, वाई टू कितना माइनस एट है, और वाई वन कितना है टेन है, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या हो गया माइनस एट के प्लस टेन, तो यहाँ पर माइनस वन इससे इक्वल होगा, सिक्स किससे इक्वल होगा माइनस एट के प्लस टेन अपॉन के प्लस वन। अभी इसको एक इक्वेशन वन मान लिया, तो यहाँ पर देखो के प्लस वन डिवाइड में इज इक्वल टू के आगे जाए तो क्या हो जाएगा माइनस वन के साथ मल्टीप्लीकेशन, तो माइनस वन को के साथ करोगे तो माइनस के प्लस माइनस माइनस वन वन जा, ये दोनों के साथ मल्टीप्लीकेशन हो गया, माइनस सिक्स के प्लस है आगे आया तो माइनस हो जाएगा, माइनस वन है इज इक्वल टू के पीछे जाए तो प्लस वन। सिक्स के और वन के कितने होते हैं सेवन के होते हैं, थ्री में से वन के कितने बचे टू, माइनस सेवन मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू के पीछे जाए तो क्या हो जाएगा डिवाइड, दोनों तरफ से माइनस माइनस कट हो गया, के की वैल्यू कितनी मिली टू बाय सेवन, जो के की वैल्यू यहाँ पर मिली यहाँ पर क्या करेंगे पुट कर, तो रेशियो कितना बचा हमारा अभी देखो यहाँ पर के की वैल्यू कितनी है टू बाय सेवन। अभी के नीचे कुछ नहीं है तो क्या मानना है वन, ये हो गया, तो जो डिवाइड में होता है रेशियो में आ जाता है, तो के रेशियो वन इज इक्वल टू कितना होगा टू रेशियो सेवन, यानी रेशियो हमें कितना मिला टू रेशियो सेवन। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फोर। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए वन माइनस फाइव एंड बी माइनस फोर फाइव इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, यानी कि एक ए बी लाइन है उसमें पी पॉइंट डिवाइड करता है, और हमें क्या करना है कि रेशियो भी फाइंड करना है और ए पी पॉइंट भी फाइंड करना है। ए पॉइंट कितना दिया हुआ है वन माइनस फाइव, ए कितना दिया हुआ है माइनस फोर एंड फाइव, तो रेशियो भी नहीं दिया तो क्या मानेंगे कि रेशियो वन, और इसको मान लेते हैं क्या बोला है एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे हमेशा क्या होता है एक्स, और y एक्सिस क्या होगा जीरो। तो यहाँ पर मान लेते हैं लेट रेशियो बी k रेशियो वन, और लेट p x जीरो डिवाइड्स ए बी इंटरनली इन द रेशियो कितना होगा k रेशियो वन। अभी के का फॉर्मूला क्या था हमें आगे आए पी एक्स वाई इज इक्वल टू के एक्स टू प्लस एक्स वन अपॉन के प्लस वन, के वाई टू प्लस वाई वन अपॉन के प्लस वन। पी पॉइंट कितना है पी एक्स जीरो के एक्स टू, एक्स टू कितना दिया हुआ है माइनस फोर, प्लस एक्स वन कितना दिया हुआ है वन के प्लस वन, वाई टू कितना दिया हुआ है फाइव, y1 कितना दिया हुआ माइनस फाइव, ये हो गया k प्लस वन। यहाँ पर क्या होगा माइनस फोर के प्लस वन अपॉन के प्लस वन, यहाँ पर क्या होगा फाइव के प्लस माइनस माइनस फाइव के प्लस वन। अभी क्या करेंगे कि x एक्सिस को x से इक्वल करेंगे और जीरो इससे इक्वल करेंगे, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू x एक्सिस किसके इक्वल होगा माइनस फोर के प्लस वन अपॉन के प्लस वन, माइनस फोर के प्लस वन अपॉन के प्लस वन, और जो वाई एक्सिस यानी कि जीरो किससे इक्वल होगा फाइव के माइनस फाइव अपॉन के प्लस वन, इसको मान लेते हैं इक्वेशन
वन, अभी के प्लस वन, देखो यहाँ पर के प्लस वन डिवाइड में इस साइड जाए तो जीरो के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा फाइव के माइनस फाइव, जीरो के साथ मल्टीप्लिकेशन क्या होता है जीरो ही होता है। अभी माइनस फाइव इस इक्वल टू आ गया है तो क्या हो जाएगा प्लस फाइव, जीरो प्लस फाइव क्या होता है फाइव ही होगा, फाइव मल्टीप्लिकेशन में आ गया है तो डिवाइड, फाइव फाइव कट, तो के की वैल्यू कितनी मिली हमें वन, तो के की वैल्यू जो मिली हमें यहाँ पर क्या करेंगे पुट कर लेंगे, तो सब्स्टिट्यूट के इज इक्वल टू वन इन इक्वेशन वन, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर के प्लस वन अपॉन के प्लस वन, के की वैल्यू कितनी मिली वन मिली, तो यहाँ पर क्या होगा फोर वन जा फोर और वन कितने होते हैं टू, माइनस फोर में से वन क्या कितना बचेगा थ्री, तो एक्स की वैल्यू मिल गई माइनस थ्री बाई टू, तो रेशियो हमारा क्या था के रेशियो वन, के की वैल्यू कितनी मिली हमें वन रेशियो वन, ये रेशियो मिल गया, और पी पॉइंट हमने क्या माना था एक्स जीरो, एक्स की वैल्यू कितनी मिली माइनस थ्री बाय टू, तो ये पी पॉइंट जो डिवाइड वाला पॉइंट है वो भी हमें मिल गया, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव। फर्स्ट क्या दिया हुआ था कि फाइंड द रेशियो, रेशियो फाइंड करना है तो हमें रेशियो मान लिया के रेशियो वन, अभी जो डिवाइड करने का वाला पॉइंट है वो किस पे बताया एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस वाला पॉइंट क्या होता है एक्स, और वाई एक्सिस हमेशा उसका क्या होता है जीरो होता है, यानी पी पॉइंट कितना क्या बनेगा एक्स जीरो, तो पी एक्स जीरो डिवाइड्स द ए बी इंटरनल रेशियो के रेशियो वन, क्योंकि रेशियो दिया हुआ नहीं है, तो इसी सेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है कि पी एक्स वाई इज इक्वल टू के एक्स टू प्लस एक्स वन अपॉन के प्लस वन, वैसे ही के वाई टू प्लस वाई वन अपॉन के प्लस वन, एक्स जीरो, एक्स टू कितना है माइनस फोर, एक्स वन कितना है वन, तो ये क्या होगा माइनस फोर के प्लस वन अपन के प्लस वन, अभी देखो वाई टू कितना फाइव है, वाई वन कितना माइनस फाइव, तो ये क्या होगा फाइव के माइनस फाइव अपन के प्लस वन, अभी एक्स को एक्स एक्स एक्सिस से इक्वल करेंगे और वाई एक्सिस यानी जीरो किससे इक्वल करेंगे फाइव के माइनस फाइव अपन के प्लस वन, ये इक्वल ही कर दिया, इक्वल करने के बाद क्या कर दिया हमने इक्वेशन वन डाल दी, क्योंकि के की वैल्यू मिलेगी तभी यहाँ पर पुट करोगे तभी हमें एक्स की वैल्यू मिलेगी, तो के प्लस वन डिवाइड में उस साइड जाए तो जीरो के साथ मल्टीप्लिकेशन, जीरो के साथ मल्टीप्लिकेशन क्या होता है जीरो ही होता है, माइनस फाइव इज इक्वल टू आ गया तो प्लस फाइव, फाइव मल्टीप्लिकेशन में आ गया है तो डिवाइड में चले जाएंगे तो फाइव फाइव कट हो जाएंगे, कितने बचेंगे वन, अभी के की वैल्यू जो मिली है हम इक्वेशन वन में डाल देते हैं तो एक्स की वैल्यू हमें मिल जाएगी, तो यहाँ पर वन की जगह के की जगह वन पुट कर दिया तो फोर वन जा फोर, अभी फोर में से वन गए कितने बचेंगे थ्री, तो माइनस नीचे कितने थे वन और वन कितने होते हैं टू, तो माइनस थ्री बाय टू, तो रेशियो हमें क्या माना था के रेशियो वन, तो रेशियो कितना मान लिया हमें वन रेशियो वन, और जो पी एक्स जीरो जो डिवाइड करने का वाला पॉइंट एक्स की वैल्यू कितनी मिली थ्री बाय टू, तो एक्स कोऑर्डिनेट यानी पी कोऑर्डिनेट कितना मिला माइनस थ्री बाय टू एंड जीरो, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स, इफ वन टू फोर वाई एक्स सिक्स और थ्री फाइव आर द वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम taken in order find x and y, तो एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, हम पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं पहले, a b c d, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट कितना है वन टू, सेकंड कोऑर्डिनेट कितना है फोर वाई, थर्ड कोऑर्डिनेट एक्स सिक्स और ये कितना है हमारा थ्री फाइव, तो पैरेललोग्राम में जो डायगोनल होते हैं, डायगोनल क्या होते हैं एक दूसरे में इंटरसेक्ट होते हैं, और ए सी का मिड पॉइंट और बी डी का मिड पॉइंट दोनों का मिड पॉइंट क्या होता है सेम होता है यानी इक्वल होता है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, तो मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी, मिड पॉइंट है यानी x एक्सिस का सम करो, ए सी में देखो यहाँ पर वन प्लस एक्स डिवाइड बाई टू, यहाँ पर टू प्लस सिक्स डिवाइड बाय टू, ये हो गया x एक्सिस का सम, तो यानी फोर प्लस थ्री डिवाइड बाई टू और क्या होगा फाइव प्लस
y डिवाइड बाय 2, ये तो कुछ नहीं होगा, 1 प्लस एक्स ऐसे ही रहेगा। 2 और 6 कितने होते, 8 डिवाइड बाय 2, ये कितने होते 4, 4 और 3 7 होते, 7 डिवाइड बाय 2, 5 प्लस y डिवाइड बाय 2, x एक्सिस x से इक्वल हो गया, यानी 1 प्लस x डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू कितना क्या बचेगा 7 डिवाइड बाय 2, और ये y एक्सिस यानी 8 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू क्या होगा 5 प्लस y डिवाइड बाय 2, दोनों तरफ से 2 2 कट, तो यहां पर क्या बचेगा 1 प्लस x इज इक्वल टू 7, अभी प्लस 1 है इज इक्वल टू पीछे जाए तो क्या हो जाएगा माइनस 1, तो 7 में से 1 गए कितने बचेंगे 6, वैसे ही यहां पर भी 2 2 कट कर देते तो 8 इज इक्वल टू क्या बचेगा 5 प्लस y, अभी देखो 5 प्लस है आगे आया तो माइनस, तो देयरफॉर 8 में से 5 है कितने बचेंगे 3, तो x और y की दोनों की वैल्यू में फाइंड कर दी, कितना आया x 6 और y कितना आया 3। हमेशा याद रखना कि पैरेललोग्राम में हमेशा जो डायगोनल के मिड पॉइंट क्या होते हैं इक्वल होते हैं, तो ये हो गया मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट BD। अभी मिड पॉइंट का फॉर्मूला है कि x एक्सिस का सम यानी कि जो आगे वाले है उसका सम करके डिवाइड बाय 2, तो 1 प्लस x डिवाइड बाय 2, फिर ये कितने हैं 2 प्लस 6 डिवाइड बाय 2, वैसे ही 3 प्लस 4 डिवाइड बाय 2 एंड 5 प्लस y डिवाइड बाय 2, ये तो कुछ नहीं होगा, 2 और 6 कितने होते 8, 4 और 3 कितने होते 7, अभी x x एक्सिस से इक्वल होगा यानी 1 प्लस x डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू क्या होगा 7 बाय 2, 8 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू क्या होगा 5 प्लस y डिवाइड बाय 2, ये दोनों इससे इक्वल होंगे, 2 2 कट हो जाएंगे, प्लस 1 है पीछे चला तो माइनस, तो 7 में से 1 गए कितने बचेंगे 6, अभी यहाँ पर भी 2 2 कट हो जाएंगे, प्लस 5 है आ गया तो माइनस, 8 में से 5 गए कितने बचेंगे 3, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6।